हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग विधानसभा हलके के दर्जनों गांव में हुई ओलावृष्टि से बागवानों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। इस ओलावृष्टि से करीब 7000 बीघा क्षेत्र के सेब बाग प्रभावित हुए हैं और लगभग 2 लाख पेटी सेब पेड़ों में ही क्षतिग्रस्त हुई है। इससे सीधे तौर पर 20 करोड़ की चप्पल संबंधित क्षेत्र के बागवानों को लगी है। सेब की तैयार फसल पर तूड़ान से कुछ रोज पूर्व इस प्रकृति की मार ने बागवानों के सारे अरमान धो दिए हैं। अब प्रभावित सेब बागवानों की आगे की रोजी रोटी कैसे चलेगी, कैसे बच्चों की शिक्षा हो, संकट में पड़ गए हैं। अधिकतर बागवानों ने बैंकों से केसीसी लोन बनाकर बागवानी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। उनके खेतों से बैंकों ने फसल की बीमा राशि भी काटी है, लेकिन जब बागवान मुआवजे की मांग को लेकर बैंकों के चक्कर लगाने लगे तो पता चला कि निजी बीमा कंपनियों व बैंकों ने सेब फसल की नहीं बल्कि उस फसल की बीमा करवाई है जो कभी क्षेत्र में उगाई ही नहीं जाती। लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए जब संबंधित क्षेत्र के विधायक मौके पर पहुंचे तो बस स्थिति को देखकर दंग रह गए। अब तक नुकसान की भरपाई का आश्वासन तो दूर की बात, नुकसान का आंकलन करने की भी सरकारी स्तर पर जहमत नहीं उठाई गई। लोग ऐसे में हताश और परेशान हैं। सदमे के कारण वे घरों से बाहर निकलने की स्थिति में भी नहीं है। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने बताया कि आजादी के बाद इतना नुकसान ओलावृष्टि से कभी नहीं हुआ था, लेकिन सरकारी स्तर पर अभी तक नुकसानी के आंकलन और मुआवजे की व्यवस्था नहीं की है। लोग हताश और परेशान है, सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है। सेब की तैयार फसल निकालने से पहले तबाह हुई है। क्यारा पंचायत के हैप्पी ने बताया कि 3 रोज पूर्व दिन में ओलावृष्टि 25 मिनट तक चलती रही। ओलावृष्टि इतनी तेज हुई थी कि सेब के सारे पत्ते जड़ गए, सेब दागी हो गए। यहाँ के सारे लोग सेब बागवानी पर निर्भर हैं। आज बागवान सदमे में घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बागवान शिवलाल चौहान ने बताया कि उन्होंने ग्रामीण बैंक से केसीसी लोन बनाया था। उनके खाते से कॉपर इंश्योरेंस की रकम भी काटी गई थी, लेकिन जब इंश्योरेंस के बारे में बैंक गए तो उन्हें बताया गया कि उनका इंश्योरेंस धान और मक्की की फसल के लिए किया गया है। शिवलाल ने बताया कि केसीसी लोन बनाते हुए उन्होंने जमाबंदी सेब के फलदार पेड़ों की थी, लेकिन सेब का इंश्योरेंस नहीं किया। बागवान अनंत राम ने बताया कि 3 रोज पूर्व 1.25 घंटा तक ओलावृष्टि हुई और ऐसी ओलावृष्टि उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। पेड़ों में सारा तैयार सेब क्षतिग्रस्त हुआ है, करीब 7 लाख का उनका नुकसान हुआ है। बागवान बिना लिपटा ने बताया कि हमारे यहाँ बहुत ओलावृष्टि हुई है, सेब पेड़ों में पककर तैयार था लेकिन ओलावृष्टि ने सारा खराब कर दिया। करीब 1.25 घंटा तक तेज ओलावृष्टि हुई है, हमारी फरियाद सरकार सुने ताकि हमें राहत देकर हम अपनी रोजी रोटी चला सकें। मन्ना देवी ने बताया कि उनकी 700 पेटी सेब निकालने वाले बाग में सेब तुड़वाने शुरू करने वाले ही थे कि उससे पहले ओलावृष्टि ने सारा नुकसान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस हालत में सहायता करती है तो ठीक है, नहीं तो भगवान के बागवान सीमा ने बताया कि सरकार से अनुरोध करते हैं कि ओलावृष्टि बहुत हुई है, नुकसानी की सरकार भरपाई करे। हालांकि उन्होंने ओलावृष्टि से बचने के लिए नेट का इस्तेमाल किया था, लेकिन फल तोड़ने से पूर्व नेट उतार दिया था और इसी बीच ऊपर वाले ने उनके सेब को नुकसान पहुंचा दिया। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार सुने ताकि हमें सरकार कुछ राहत दे सके। देश में 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगने वाले प्रतिबंध के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले ने कदमताल आरंभ कर दी है। ऊना प्रशासन ने प्लास्टिक के विरुद्ध एक विशेष मुहिम शुरू की है। ऊना प्रशासन विकल्प के तौर पर कपड़े के 1 लाख थैले बनवा कर खुद घर घर जाकर उन्हें जनता में बांट रहा है। जिले के DM ने खुद इसकी कमान अपने हाथों में ली है और खुद भी वितरण टीम के साथ घर घर जाकर लोगों को कपड़े के थैले बांट रहे हैं। यही नहीं, प्रशासन ने प्लास्टिक के विरुद्ध प्रचार प्रसार के लिए सब्जी मंडी और बाजारों में जाकर व्यापारियों और लोगों को जागरूक भी किया। प्रशासन अपनी तरफ से कपड़ा देकर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ये थैले तैयार करवा रहा है, जिससे
इन समूहों को रोजगार भी मिल रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के मद्देनजर ही ऊना प्रशासन ने शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी धाम के बाजारों में 2 अक्टूबर से पॉलीथीन में प्रसाद की बिक्री पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मुहिम के कारण मिल रहे रोजगार से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रसन्न तो नजर आ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही वो इन थैलों की सिलाई के लिए मिल रहे भत्ते को थोड़ा और बढ़ाने की सरकार से अपील भी कर रही हैं। हमारे पास टारगेट दिया है डीसी साहब ने, 1,00,000 बैग्स का हमें टारगेट दिया गया है कि हम 1,00,000 बैग जो हैं यहीं की एसएचजी महिलाएं, एसएचजी के माध्यम से जो हैं महिलाएं जो हैं वही हमारे बैग सिल रही हैं। हम सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। यहीं के लोग एक जो है एंटरप्रेन्योरियल ग्रुप बन चुका है जिसके अंदर लेडीज़ जुड़ चुकी हैं अलग अलग ब्लॉक की, और वो जो हैं हमें बैग सिल कर दे रही हैं। यहीं छप रहे हैं हमारे और यही बैग हम जो है वितरित कर रहे हैं। घर घर जाके जो है ये भी कैंपेन भी चली है कि घर घर जाकर जो लोग हैं उन्हें संदेश दिया जाए। व्यापार मंडलों के साथ हमें ये मीटिंग करी है, उन्हें भी हमने बैग्स दिए हैं। पंचायत प्रधानों को हमने बैग्स दिए हैं कि जो किराना लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जो किराना शॉप पंचायतों में होती है वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, उन तक भी हमने टोकन इफेक्ट के लिए जो है बैग्स प्रोवाइड करे हैं।